दोस्तों इस टाइम इंस्टाग्राम पे ये ट्विटर वाली रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। कई सारे लोगों ने इस पर रील बनाकर मिलियन में व्यूज लिए हैं और कई सारे लोगों ने इस पर अपना एक अलग से पेज क्रिएट कर लिया है और उनका पेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर आप भी इस टाइप की रील बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ मैं इस चीज़ में मतलब इस रील को बनाने में जो भी चीज़ें यूज करूँगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पर वो सारा मटेरियल मिलेगा। केवल आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस टाइप की रील्स बनाने के लिए सिंपली हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है फेक क्यूट। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को आ जाना है क्रिएट ट्यूट पर। क्रिएट ट्यूट पर आने के बाद इधर आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप यहां से जो भी चीज़ें लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जो भी चीज़ें हटाना चाहते हो हटा सकते हो। जैसे कि सो मोर रिप्लाइज को मैं यहां पे हटा देता हूं और यहां पे सो रिट्यूट को हटा देता हूं और यहां पे मैं डार्क मोड को इनेबल कर लेता हूं क्योंकि डार्क मोड वाली जो है ट्यूट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं डार्क मोड को लगा देता हूँ। देन उसके बाद मैं इधर ऐसे क्लिक करता हूँ और कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे एडिट करना है सिंपली आपको उस पर टच कर देना है। जैसे आपको इमेज हटानी है तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका गैलरी खुल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एल्बम में जाकर आप अपनी कोई भी इमेज लगा सकते हो, ठीक है। नेम बदलना है, नेम में आना है, टच करना है, देन उसके बाद यहाँ पर एडिट कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना नाम इस तरीके से, ठीक। यूजर नेम आपको चेंज कर देना है, जो भी आपको रखना है रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक। देन उसके बाद आपको जैसे लाइक बढ़ानी है तो लाइक को बढ़ा सकते हो, यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ। देन उसके बाद अगर आपको ट्वीट में कुछ बदलाव करना है तो ट्वीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट कर देना है, जैसे कि मैं इसको एडिट कर देता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, ठीक, मैंने इसको लिख दिया। प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। हमारा ये यहाँ पे पूरा बनके तैयार हो चुका है, हम लोग इसको प्रीव्यू में देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ ये हमारा ट्यूट बनके तैयार हुआ। इधर से बैक लेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे सेव कर लेंगे, सेव कर लीजिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके इसको नीचे वाला आप हटा भी सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, आप जैसा इसको लगाना चाहते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेव कर लिया। इसी तरीके से आप कई सारे यहाँ पे ट्वीट को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, 1, 2, 3 जितने भी ट्वीट आपको बनाने आप बना लीजिएगा, ठीक। देन उसके बाद हमें बाहर आ जाना है और दूसरे ऐप में आना जिसका नाम है काइन मास्टर, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो रील को एडिट करना है, वीडियो लगाना है, तो उसके लिए एक ऐप की ज़रूरत होगी, वो हम लोग काइन मास्टर यहाँ पर यूज करेंगे। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर क्रिएट न्यू पर और यहाँ पर 9:60 वाला जो रेशियो होता है इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि रील्स का जो साइज होता है यही होता है, क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे वीडियो ले लेना है, तो वीडियो दोस्तों यहाँ पे कई सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सब पूरा डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ से कोई सा भी आप वीडियो ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लेता हूँ, ये वाला मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक, ये वाला वीडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद अगर इस पर आपको ऑडियो बदलना है तो यहाँ पर ऑडियो पर जा सकते हो इस तरीके से और कोई दूसरा ऑडियो लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है, मैंने दूसरा ऑडियो लगा लिया, आप भी लगा लोगे, जो भी लगाना है लगा लीजिएगा। और इस पे जो वीडियो का ऑडियो है इसको मैं यहाँ से ऐसे म्यूट कर दूंगा, ठीक। जो भी आपको सॉन्ग लगाना है आप लगा लीजिएगा, सॉन्ग ज़्यादा बड़ा है तो इधर पीछे आना और पीछे आने के बाद यहाँ पर आपको एक कैची ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले, इस तरीके से कर देना। ये यहाँ पे हमारा पूरा सॉन्ग के साथ ये वीडियो आ चुकी है। अब दोस्तों हमें वीडियो को पिंक करना है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो हमारा जो चलता है रील्स में वो पिंक टाइप का होता है, तो दोस्तों उसके लिए हमें आना है लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पे। देन उसके बाद हम यहाँ से एक इमेज ले लेंगे, ये पिंक वाला। ये सब आप जो भी मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। इसको मैं यहाँ ऐसे खींच के ऐसे बड़ा कर लूँगा। देन उसके बाद हम इसको जो हमने इमेज लिया इसको खींच के यहाँ पीछे तक पूरा लेकर आ जाएंगे, ठीक, इस तरीके से। इधर लाने के बाद हम लोगों को इस पर टच करना है। टच करने के बाद इधर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक कर देना है और नीचे हमें थर्ड नंबर पर मिलेगा मल्टीप्लाई,
इस पर ऐसे क्लिक कर देना है और ये हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ट्यूट लगाना है, ट्यूट लगाने के लिए हम थोड़ा सा आगे आ जाएंगे इस जगह पे, या जहाँ पर आपको लगाना है, जिस जगह पे आपको लगाना है उस जगह पे आ जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन फोल्डर मिलेगा जिसमें लिखा होगा फेक ट्यूट फोटो एडिटर, उस पर क्लिक कर देना। आपने जितने भी ट्यूट बनाए हैं पहले या बाद में वो सारे ट्यूट देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपना ट्यूट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और क्रॉप करने पर हम लोग इसको ऐसे छोटा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, करने के बाद इस पर हमें एनिमेशन लगा देना है। इन एनिमेशन पॉप का लगा दीजिए, ठीक। आउट एनिमेशन फेड लगा दीजिए या फिर इसको लगा रहने दीजिए, ये हमारा लास्ट तक जाएगा इस तरीके, ठीक। बीच में लगेगा और लास्ट तक जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। बड़ा छोटा आप कर सकते हो, जो भी करना है आप, ठीक। आगे आना है, फिर सेकंड वाला ट्यूट लगाना है, इस पर फिर से अगेन मीडिया पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे। देन उसके बाद हमें सेकंड वाला ट्यूट ले लेना है, इसको भी ऐसे क्रॉप कर लेना है जैसे कि पहले वाले को क्रॉप किया था इस तरीके से, ठीक। और इस पर हमें एनिमेशन पॉप वाला लगा देना है और इसको भी खींच के पीछे तक लेकर आना है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से रील बन जाएगी और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे नीचे इस तरीके से, ठीक। ये यहाँ पे हमारी पूरी रील बन के तैयार हो चुकी है, एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों म्यूजिक को मैं जो है म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी इस तरीके से रील बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये जो ट्यूटर है ये थोड़ा उस टाइप का दिखे, जैसे रील में दिखता है ना ट्रांसपेरेंट टाइप का, तो क्या करना है हमें, फिर से ट्यूट वाले पे क्लिक करना है। जिस ट्यूट को क्लिक करना मतलब एडिट करना है उस पर क्लिक करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें ऐसे ये लगा देना है स्क्रीन का, ये वाला लगा देना है स्क्रीन वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी रील बन के तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए सीधा इस एरो पे क्लिक करना है और ये रील हमारी गैलरी में आ जाएगी, इधर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों आप मैं बता देता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने यूज की वो सभी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो भी मटेरियल है आप वहाँ तक डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो भी कमेंट करना है कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।